तुमने छोड़ा नहीं है, फ्रिज में है और कुछ मेरे फार्म पर है। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। यार आज आपको एक और बहुत अच्छे गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि जब मैं रात को आया ना इनका दाना पानी चेंज करने, मैंने देखा ये पता नहीं रात को अंडा क्यों दे दिया। डब इसने दो अंडे दिए हुए थे ना, मैंने आपको बताया था दो थे ना इसके अंडे, ये देखना अभी आप, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हट जा यार, हट जा, ये देखता अभी। अरे एक मिनट हटना, एक मिनट हटना, हटो एक मिनट यार, नहीं हटना। खैर इसके अभी दो ही अंडे हैं। गुड न्यूज़ क्या है, गुड न्यूज़ ये बताता हूँ, इसने अंडा दे दिया है यार, इसने अंडा दे दिया है। इस टाइम अब ये उठेगी तब भी दिखाएगी ना अंडा। उठ जा एक मिनट, उठ जा, अंडा दिखाना है। यार गाइस फिलहाल तो अभी ये नहीं उठी, लेकिन जैसे ही उठेगा मैं आपको दिखाता हूँ। इसने एक अंडा कल तो दिया हुआ था, कल शाम को, हाँ इसका एक अंडा था। अब पता नहीं इसने दो दे दिए हों या पता नहीं आज शाम को अंडा देगी। वैसे मेरी जो पुराने डब है ना, इसने एक अंडा एक दिन दिया, फिर एक दिन छोड़ के अगला अंडा अस्से का टाइम दिया था। और आज देखते हैं ये कब देती है अंडा। दुआ करो यार आज दे दे अंडा। और इसके अंडे अब मैंने चेक करना है कि फर्टाइल है कि अनफर्टाइल है, लेकिन जब ये उठेगी फिर तंग करेंगे, अदरवाइज इसे तंग नहीं कर सकते। क्योंकि अगर ये ऐसे उठ गए ना, फिर हो सकता है ये क्या अपने अंडों से डर जाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम ब्रीड कर दिया ना इसके में। जो भी परिंदा अपने फर्स्ट टाइम ब्रीड करता है एक केज में, तो वो ना नया हो तो उसको डर लगता है। तो अब देखो यार, अब ये जैसे उठते हैं इसके अंडे चेक करते हैं फर्टाइलिटी, लेकिन इसके अंडों की फर्टाइलिटी तकरीबन 7 से 8 दिन में पता चलेगी। मैं इन्हें सुबह खुराक डाल के गए उतनी सारी, और मैंने डाले सारी यही पड़ती है, देखना अभी भी पड़ी होगी यहाँ पर, ये देखना थोड़ा थोड़ा बाजरा पड़ा होगा यहाँ पर। सुबह डाल के गए और ये अभी तक खा रहे हैं। एक डब्बी डालता होता हूँ और कोयल को भी बहुत हो जाती है और चूजों को भी, लेकिन डालता मैं यहाँ पर, वहाँ पर डालू ना ये मिनट में छट कर जाते हैं और फिर ऐसे होकर पड़े होते हैं, यानी कि इन्हें भूख नहीं लगी होती। यार देखें यार ऊपर चढ़े हुए मेरे चूजे। तो यार अब ना मैंने यहाँ पर डाले, अब ये पूरा दिन ढूंढ ढूंढ के खाते रहेंगे और उनका पेट भी भर जाएगा। और यार मेरा पसंदीदा चूजा कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ये है जोर, कितना एक्टिव हो गया ये। मैंने आपको इसके एक चीज़ दिखानी है आज, और एक मिनट आ जा, आ गया यार। इसे देखें आप, इसका साइज़ देखें कितना बड़ा हो गया, बड़ा होगा ना। इनको मैंने पकड़ के बाहर अपने बड़े चूजों के साथ छोड़ देना है। आज सुबह जब मैं उन्होंने सफाई करने इसकी किया, उसकी किया, सारी सफाई किया, बाहर से भी किया, तो ना मैंने देखा है एक मेरा ब्लैक वालों में से ये वाला चूज़ा और एक कहाँ गया दूसरा वाला, वो यार वो बाहर फिर रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये वाला चूज़ा ये मेल है, मुझे सही नहीं पता, मुझे इस तरीके से सिर्फ पता चल रहा है, क्योंकि ये वाला और एक ब्लैक वाला जो मैंने आपको अंदर दिखाया है, ये दोनों आपस में लड़ रहे थे। यानी कि ना एक उसके पास आ रहा था, ऐसे उड़ उड़ के एक दूसरे के ऊपर पड़ रहे थे। इसका मतलब मुझे पता चल गया यार ये मेल है, क्योंकि अगर फीमेल्स होना फीमेल्स नहीं लड़ती आपस में, और कोई फीमेल्स ऐसी भी होती हैं जो आपस में लड़ पड़ती हैं। यार इसका पूरा दिन यही काम है कि खाना है खाना है खाना है, अपनी खुराक खत्म कर देते हैं, और जब भी मैं आता हूँ इन्हें खुराक डालो। यानी कि आप सुबह आए हैं, शाम को आए हैं, जिस वक्त भी आ रहे हैं ना, आपने इनको खुराक डालनी है। अगर आप नहीं डालते ना तो इन्होंने भूख से मर जाना। खैर यार आज तो इनकी खुराक पड़ी हुई है। यार कल इसने जो अंडा दिया है ना, मैंने आपको दिखाया था, और मैंने अंडा वो वहाँ पर रख दिया था। शुक्र है कि वो अंडा मेरी किसी कब्बे ने या किसी चील ने इसको हमला नहीं किया। चील ने बहुत फिरते हैं यहाँ पर, जैसे इसे चूस मारते ना ये सारा घूर जाता और ज़ाया हो जाता। इसको सामने बल्कि यहाँ पर रख देते हैं ताकि हम लेके जाएं, अगर हम इसे भूल गए ना फिर कुछ हो जाना है। ओ भाई आज तो इन्हें खुराक भी नहीं डाली यार, मैंने बेचारी भूख से मर रही हैं यार। मुझे ना मेरा ना इस मुर्गे को खाने का दिल कर रहा है, इसको दिल करता है खा जाऊँ। पता है क्यों? क्योंकि इसकी आँख जो है ना वो आप देखें ना काफ़ी ख़राब होती जा रही है, पहले कम थी, अब इसकी ये वाली आँख ठीक है। ये देखिए ये आँख के ऊपर कितना बड़ा इसका हो गया, बाकी मुर्गियाँ अलहमदिल्ला ठीक है, लेकिन यहाँ ये आहिस्ते आहिस्ते बड़ा होता जा रहा है। अगर ये थोड़ा होता ना, यानी कि कम हो रहा होता, तो फिर मैं इसे कुछ भी ना करता, और अब ये बड़ा हो रहा है तो यार मुझे डर लग रहा है कि कहीं इसे कुछ हो ना जाए, तो मैंने इसको ज़िबा करवा देना है। बाकी तीन मुर्गियाँ बहुत है, एक मुर्गा इनके साथ आ जाएगा काफ़ी है। जब से देसी मुर्गा खाया है ना तो इसकी भी ख्वाहिश बढ़ गई है। फिर भूख लगी, सब्र करो, ये लो जल्दी खाओ, इससे पहले कोई और खा ले। मेल को तो तुमने छोड़ा नहीं है, तुमने नहीं बल्कि मैंने उसे नहीं छोड़ा यार। इनके लिए मैंने ये रखा हुआ है, अब इसमें अंडा देती हैं, अभी इसमें अंडा नहीं दिया इन्होंने, अस इसमें अंडा दिया करना, फिर ज़्यादा कूल लगेगा, यानी कि अपने दड़बे में जाएंगे वहाँ पर अंडे देंगे। ये सिर्फ वहीं पर अंडे देते हैं और आ नहीं दिया इन्होंने। तब से कल से इसे मैंने रोटी डाली है ना, ये वही रोटी बैठ के खा रहा है। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी रोटी बनी थी, आप तो बिल्कुल सूख के कांटा हो गया, लेकिन ये उसे खाता जा रहा है खाता जा रहा है। पता नहीं इसे कितनी भूख लगी हुई है। नहीं यार ये उठने का नाम नहीं ले रही, ये नहीं दिखाएगी मुझे अंडा। रात को तो मैं जब आया हूँ मैं डर गया हूँ, इसने अंडा दिया हुआ था लेकिन ये बैठे दोनों यहाँ पर थे, नीचे बैठे हुए थे और अंडे के पास में जा रहे थे। मैंने कहा यार ये अंडा अपना खराब कर देंगे, इन्होंने अंडा पे नहीं बैठना, मुझे इनका अंडा नीचे फेंकना पड़ेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब इन्होंने क्या किया, अंडे पर बैठे हुए हैं। यानी कि जब अंडा फ्रेश होता ना तो वो भी कम बैठती थी, एक दिन वो भी नहीं बैठी अंडे पर, फिर आज से उसने जब से बैठना स्टार्ट किया ना उसके बाद से अब तक फिर ये बैठा हुआ है। अब मेल बैठा रहता है, पहले फीमेल बैठती थी, अब फीमेल नीचे बैठती हैं। क्या है अंडे से दिलचस्पी नहीं है? इसका सिर्फ यही काम है कि यहाँ पर बैठना है और ये कहीं पर भी नहीं जाती। और यहाँ पर इतनी भीड़ कर देखें, मैं सुबह सफाई करके गया हूँ और इसने कितनी भीड़ की हुई है यहाँ पर। मुझे लगता है जब अंडा देगी ना उसने अंडा भी यहीं पर देना है, और अपने घर जो मैंने इतनी मेहनत करके बनाया है इसने ये कुछ भी नहीं करेगी। हाँ इसने कुछ भी नहीं किया हुआ, अंडे दे यार मुझे इसके अंडे को बहुत ज़्यादा, मैंने शौक से इसके अंडे देखे, इतने प्यारे इसके अंडे होते हैं, लेकिन ये देने का नाम ही नहीं ले रही, पता नहीं कब तक देगी यार।
यार मेरे रैबिट देखें यार कितने थोड़े हो गए हैं, पहले इतने सारे थे, लेकिन अब क्या हुआ है कि इनमें से कुछ बीमार हो गए थे, मैंने उनको ज़िबा करवा लिया, वो इस टाइम फ्रिज में है। खैर हैं तो मेरे पास ही, कुछ फ्रिज में है और कुछ मेरे फार्म पर हैं, लेकिन यार आप देखें ना इनमें से कुछ अब मोटे हो रहे तो रहे हैं, शायद ये बच्चे देंगे, जैसे ये बच्चे देंगे ना इतने सारे खा चुका हूँ, लेकिन ये इस टाइम भी उससे ज़्यादा कि जितने मैंने लिए थे। देखे बैठे देखे कैसे लाइन में सारे यहाँ पर मुँह करके बैठे हैं, कम मुसीबत है यार। इसके अंडे तो फ्रेश थे, आप देखो यार इसके बच्चे कब निकलते हैं, मुझे लगता है जल्दी जल्दी बहुत जल्दी इसके बच्चे निकल आएंगे, क्योंकि अब ये मेल ना जाते थे यहीं पर बैठे रहते, जब मेल ने अपने बच्चों को फीड कराने होते हैं ना तब भी आके बैठते, अदरवाइज नहीं बैठता। और ये मेल भी यहाँ पर बैठा हुआ है, इसके साथ खेलता रहता है, ये मेल है इसके साथ खेलता रहता है, हालांकि इसकी फीमेल अंदर अंडों पर बैठी रहती है। इसको जब कोई और जगह नहीं मिली ना कि यार कहाँ पर जाऊँ, तो इसने मेल के साथ ही अपनी दोस्ती बना लेती है। यार ये कमीज सलवार वाला इधर से तो आ नहीं सकता, लेकिन जब भी मैं खोल जाता हूँ ना, मैं वहाँ पर गया था और ये यहाँ पर आ गया, क्योंकि बेचारे की हिम्मत ही नहीं होती ऊपर से आने की। यार जब मैं मैट ऊपर ले आया हूँ, और ये पता है लेके किस लिए आया हूँ, ये देखिए इसको मैंने ना पूरा धूप में फैलाया हुआ है, ये अभी अभी नरम हो जाएगा, ये है मैट, इसको मैंने लगाना अपने बजीज की छत पर, वो है ना थोड़ी सी यानी कि उसमें से पानी वगैरह आता है नीचे, यहाँ पर है टेपर छत और यहाँ पर शापर भी बिछा हुआ है, नीचे से ऊपर से ये टेंट लगाया हुआ है, तो इसके अंदर से पानी नहीं आता और शापर गलता भी नहीं है, लेकिन वो जो छत है ना उसमें से पानी आता है नीचे, और कबूतर भी आके बैठते हैं ना ठक 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 ठक, उसी आवाज़ ना नीचे बहुत जोर से आती है। तो अब ये मैट है, ये है कंपाउंड, ये पता है कंपाउंड है जो सड़कों पर लगाते हैं ना, ये वही कंपाउंड है, इसमें पेट्रोल मिक्स कर ले और ये अच्छी तरह ना उसमें जब नरम हुई पड़ी है, इसमें ये है कि जैसे ये ग्लू होती है ना उस तरह का भी काम देगी, और इसको हम अच्छी तरह छत पर लगा के ना सुराख भी बांधा जाएंगे और उसके ऊपर मैट बिछा देंगे। मैट में से ये है कि पानी नहीं गुजरेगा, अगर छापर बिछाना छापर बहुत जल्दी गल जाएगा, क्योंकि जितनी धूप होती है ना तो जल्दी गल जाएगी, लाइफ टाइम काम हो जाएगा। इसको बिछा के ना इसको साइड से थोड़ा थोड़ा लटका देंगे और पानी जो है वो नीचे आएगा, और ये छत वैसे भी हमारी पैक है। यार अब ये काफ़ी हद तक नरम हो चुका है, थोड़ी देर गुजर गई है, अब ये काफ़ी हद तक नरम हो चुका है, लेकिन जैसे थोड़ा सा और नरम होता है ना ये, हमने इसको ऊपर लेके जाना और अपनी छत पर लगा दिया, तो ठीक है यार इसको लगाते हैं अभी। यार गाइस फाइनली मैं छत के ऊपर चढ़ गया, तो यार इसे ना कोल तार भी कहते हैं, ये जो सड़कों ऊपर लगते हैं ना कंपाउंड, ये उसकी एक फाइन किस्म होती है, ये अब हम लगाएंगे इसके अपने यानी कि अपने काम में से इस्तेमाल करेंगे, इसे ऐसे लगा लेंगे। ये देखें ना इसमें बाइंडिंग मटेरियल समझे इसमें शामिल होता है, ये बाइंडिंग करने के काम आती है। इसके ऊपर अब हमने इसे वहाँ से ऐसे बिछाएंगे, बुरश से लगाएंगे इसको नुक्कड़ से, और इसके ऊपर फिर मैट को खोलते जाएंगे और फिर ये लगता जाएगा। स्टार्ट करते हैं अब। तो यार प्राइस ना मुझे इसके अभी याद नहीं ठहरे कितने क्या, क्योंकि मैंने भी काफ़ी पहले ली थी, और दूसरी बात पाकिस्तान में वैसे भी महंगाई बड़ी तेज़ी से बढ़ती है, इसलिए मैं नहीं बता सकता आपको। ये मैट और कंपाउंड और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, झाड़ू से मैंने पूरी छत को अच्छी तरह साफ़ कर लिया, और बुरश से भी वैसे तो किया, बुरश मैंने नीचे फेंक दिया। फिलहाल यार मैंने कपड़े शपड़े ना पहले ही चेंज कर लिए, क्योंकि कपड़े इसमें ना सारे ही गंदे हो जाने थे, क्योंकि मैं ऐसे भूल कर बैठूंगा कंपाउंड पर और सारी खराबी हो जाएगी पैंट, तो अब मैंने पैंट शर्ट चेंज कर लिया, टोपी वगैरह पहन लिया क्योंकि धूप भी है इस टाइम। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, बुरश से ऐसे ऐसे से लगाता जा रहा हूँ और थोड़ा थोड़ा मैट को खोलता आ रहा हूँ। अब ये जैसे लगती जाएगी प्रॉपर प्रॉपर, और हम इस साइड पर आते जाएंगे, क्योंकि अगर हम इस साइड से स्टार्ट करते ना लगाना तो ये वहाँ पर जाकर खराब हो जाती। अब हम इसको ऐसे लगाते आएंगे और खोलते आएंगे। यार मैंने पूरे डब्बे को उठाकर ऊपर नहीं रखा, क्योंकि अगर वो गिरता ना तो सारी कंपाउंड ज़ाया हो जाती। मैंने एक और बर्तन में डाल लिया और इसमें ना पेट्रोल मिक्स कर लिया, पेट्रोल थोड़ा थोड़ा साथ मिक्स कर जाएगा ना ये लगती सही जाएगी, और इसमें बाइंडिंग समझो सही होगी। अगर पेट्रोल नहीं मिक्स होगा ना तो ये यानी कि पेट्रोल डालते हैं वो थोड़ी देर बाद वैसे भी एवापोरेट हो जाएगा। ये ब्रश जो मैंने कंपाउंड में रखा हुआ ना, ये मस्त समझना कि ये मेकअप वाला है, ये है पेंट वाला, जो कि हम घरों में करते हैं ना अपनी दीवारों पर पेंट वगैरह, ये उसी का ब्रश है और इससे बेहतरीन हो रहा है। कैसे हो यार, कैसा लग रहा हूँ मैं? ठीक हो अल्हम्दुलिल्लाह। है ये जी फाइनली मैट लग चुका है, मैंने ना उस साइड से भी थोड़ा सा लटका दिया, तकरीबन एक फुट वहाँ से लटका दिया, और जो 6 इंच या 3 इंच पर तो उसे कह लें वो मैंने गली की तरफ लटका दिया। दरमियान में ना मैंने एक हेलीपैड भी बना दिया, एच लिख लिया, ताकि कोई जहाज़ वगैरह है ना तो हमारी कॉलोनी पर लैंड कर ले। ठीक है, तो यहाँ से भी मैंने थोड़ा सा इसको लटका दिया, यहाँ से छोटा थोड़ा सा मैट छोटा सा मैंने एक पट्टी काट के ना वहाँ पर लगा दिया, और यहाँ पर आके मैट मेरा खत्म हो गया था। मैंने एक और मैट काट के यहाँ पर लगा के उसके ऊपर भी कंपाउंड लगा दिया। अब ये मैट ऐसे लेवल छत हो गई है और उसमें से कोई भी सुराख वगैरह नहीं रह गया, लेवल हो गया। अब जो भी पानी आएगा बाहर की तरफ जाएगा और यहाँ पर जो आएगा ना वो इस छत पर सर तो वह छत पर चला जाएगा। ठीक है गाइस, फाइनली अब हमने मैट लगा दिया पूरी छत पर, अब ये जैसे भी सूखेगा। तो आज के व्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड, और मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में एक न्यू एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।